नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चिंतन है राम का स्थान कहाँ। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। सन्यासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक डब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार का सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बदल लाता रहा। अंत में पीछे खड़े डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, इस अंतिम डिब्बे में क्या है। दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने हैरान होते हुए पूछा, राम राम, भला यह राम राम किस वस्तु का नाम है भाई। मैंने तो इस नाम के किसी सामान के बूढ़े में कभी नहीं सुना। दुकानदार सन्यासी के भोलेपन पर हंस कर बोला, महात्मा और डिब्बे में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं है, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंख खुली रह गई। जिस बात में लिए मैं दर दर भटकता रहा था, वो बात मुझे आज एक व्यापारी से समझ आ रही है। वो सन्यासी उस छोटे से किराने के दुकानदार के चरणों में गिर पड़ा। ओ तो खाली में राम रहता है। सत्य है भाई, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ। काम क्रोध लोभ मोह लालच अभिमान इच्छा द्वेष और भली बुराई सुख दुख भी बातों में जब दिल दिमाग बड़ा रहेगा तो उसमें ईश्वर का पास कैसा होगा। राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी थी। आज सन्यासी अपने आनंद में थे। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।